डीएम ने जयनगर में कोविड केयर सेंटर एवं कोरोना टीकाकरण केंद्र का किया निरीक्षण। दे कई आवश्यक निर्देश। जिला पदाधिकारी मधुबनी अमित कुमार ने गुरुवार को जयनगर अनुमंडल अस्पताल स्थित नए प्रशिक्षण भवन में कोविड केयर सेंटर समेत टीकाकरण सेंटर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित अस्पताल चिकित्सक को हर हाल में आइसोलेशन वार्ड में 74 बेड तैयार रखने का निर्देश दिया। कोविड केयर सेंटर का साफ सफाई, पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए खाने व रहने का पर्याप्त व्यवस्था की बात कही गई। जयनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेनों के सभी रेल यात्रियों की स्वास्थ्य विभाग के कर्मी के द्वारा जांच। रेलवे स्टेशन पर होने के बाद रिपोर्ट आने तक सभी रेल यात्रियों को स्टेशन पर रोके रखने की बात कही। कम उम्र वाले पॉजिटिव व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन एवं अधिक उम्र वाले लोगों को कोविड केयर सेंटर के आइसोलेशन वार्ड में रखना है। उन्होंने लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। तैयार करके रखना है साफ सफाई के साथ में, बाकी तमाम सुविधाओं के साथ में, दवाइयाँ हों या फिर लोग जो यहाँ पर स्टे करेंगे उनके लिए कुछ अन्य सामान हो, तो उस सब की व्यवस्था देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। व्यवस्था करने के बारे में डायरेक्शन दिया हुआ है, कुछ चीज़ें हैं जो कमी छूट गई है उसको हम लोग रात तक आज तक कम्प्लीट कर लेंगे, और इस सेंटर को हम लोग एकदम तैयार मोड में रखेंगे कि जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आने वालों को, जो भी पॉजिटिव लोग हैं उनको कोई समस्या और किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ ना हो, इसका हम लोगों को ध्यान रखना है। डॉक्टर्स की टीम है, रोस्टर बना हुआ है राउंड द क्लॉक, सुबह से लेकर रात तक अर्ली मॉर्निंग तक, और रोस्टर दिनों के हिसाब से बना हुआ है, जो कि सब डिविजनल हॉस्पिटल हमारा पास में ही है, तो डॉक्टर्स की, दवाइयों की या अन्य किसी मेडिकल हेल्प की कोई कमी नहीं है। वो सब चीज़ें तो हैं और बाकी सब चीज़ों को हमने देखा है, उसको हम लोग मेंटेन करेंगे।